नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। वैसे भी कहा गया है कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, केवल और केवल उसे निखारने की जरूरत होती है। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? क्या सरकारी स्कूल के अध्यापक भी अच्छे से मेहनत करवाते हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉपर बन सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा से सवालिया निशान लगता रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में यह धारणा बैठी हुई है कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह धारणा अब उन बच्चों ने गलत साबित कर दी है जिन्होंने सरकारी स्कूल में होते हुए ना केवल टॉप किया है बल्कि अपने स्कूल का नाम रोशन भी किया है, साथ ही साथ अपने माँ बाप का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया है। जिन बच्चों से आज हम बातचीत करेंगे उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त टॉपर इंद्री खंड के गांव रिंडल स्थित भारत पब्लिक स्कूल की छात्रा सीमा दी, राजकीय स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोली की छात्रा तमन्ना, संत निका सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम की प्रीति कुमारी, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मटक माजरी इंद्री की छात्रा रश्मि पाल, नवनीत कौर व मोना, सरस्वती विद्या मंदिर राहड़ा की कृतिका, पारस पब्लिक स्कूल करनाल की साक्षी बर्मन, आनंद पब्लिक स्कूल निग्दू की अमृत कौर, महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बला के अंकुर, महर्षि वेद व्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्तली के विक्रम सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैमला की पल्लवी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातसो की गगनदीप कौर, राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तरावड़ी की भारती व चेतना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरोंडा की रितु, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना के निशांत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटहेड़ा के साहिल कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निसिंग की कोमल, राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय सालवान की काजल तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुनक की भावना शामिल रही हैं। अब आप भी सोचिए कि एक बेटी का बाप जब सड़क पर रिक्शा चलाता हो तो उसकी बेटी सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्र हो और वह रिजल्ट में टॉप कर जाए तो है ना हैरानी वाली बात। बेटियां किसी से भी कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटियां वो कर सकती है जो बेटे नहीं कर सकते। आज हम आपको टॉप करने वाली उन बेटियों के पास लेकर जाएंगे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कठिन परिश्रम किया। घर में गरीबी के आलम के बावजूद भी उन्होंने घर का काम करने के साथ साथ घंटों पढ़ाई में मेहनत भी की। माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी कितनी तन्मयता के साथ पढ़ाई कर रही है। वो तो यही सोचते रहे कि किसी तरह से उनकी बच्ची 12वीं कक्षा में पास हो जाए, यही बहुत है। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम निकला तो माँ बाप भी हैरान रह गए। आज आपको उन बच्चों को सुनना चाहिए कि उन्होंने समाचार एक्सप्रेस के साथ अपनी पढ़ाई का जिक्र किया तो उन्होंने अब किस तरह से अपना हौसला दिखाया। बेटियां डगमगाई नहीं बल्कि उन्होंने ठान लिया था कि वह खूब पढ़ेंगी ताकि उनके माँ बाप का नाम फक्र से ऊंचा हो सके। आपके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महंगे स्कूलों को चुनते हैं, अपनी जेब से भारी भरकम फीस चुकाते हैं, बच्चों को कई तरह की सुख सुविधाओं से लबरेज किया जाता है, उनकी हर एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन इसके ठीक उलट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्र और छात्राओं से आज हम आपको जब रूबरू करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके माँ बाप किस गरीबी के साए में जी रहे हैं, जिसके घरों में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ ना हो। अगर उस घर में पैदा हुई बेटी 12वीं में टॉप कर जाए तो हर माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह नसीहत उन बच्चों को है जो नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने के बाद भी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। आखिर कहां कमी रह जाती है,
आज आपको भी जान लेना चाहिए। आइए देखिए कि इन छात्रों ने समाचार एक्सप्रेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। हमारे चीफ एडिटर हरीश चावला ने टॉपर बच्चों से खुद बातचीत की। आप अभी इन बच्चों को बड़े सहजता से सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए, ताकि आपके बच्चों को भी नई दिशा और दशा मिल सके। मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम करण स्टेडियम में मौजूद हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ निजी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आज सम्मानित किया है। वजह यह थी कि आज इतनी बड़ी संख्या में इन बच्चों ने प्लस टू के अंदर टॉप किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से। तो आज समाचार एक्सप्रेस उन बच्चों को आज आपके सामने लाएगा और आपको बताएगा कि बच्चों ने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की, क्या मन में उन्होंने धारणा की कि मुझे ये अंक हासिल करने हैं। तो आज हम बारी बारी से इन बच्चों के पास जाएंगे और पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से टॉप किया। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज रश्मि। प्लस टू चोर माजरा। आई एम फ्रॉम ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। क्या बनना चाहते हैं? सी ए। कैंट में नहीं लगेंगे जो सी ए फिलहाल। अच्छा बेटा, घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? माय फादर इज अकाउंटेंट एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। अकाउंटेंट। आपके पिताजी बैंक में हैं? नो, प्राइवेट जॉब। ठीक। उन्होंने कहा था कॉमर्स विषय लेना? नो, इट्स माय चॉइस। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपके पास? कितने नंबर लगे? बहुत मेहनत करनी पड़ी। सेल्फ स्टडी मैंने घर पर बैठ कर की, और टीचर से जो कोई प्रॉब्लम हुई तो उनसे पूछा। मुझे मैं ट्यूशन से कुछ नहीं, लेकिन घर पर सेल्फ स्टडी के। ट्यूशन नहीं लिया? नो। अच्छा फिर भी पढ़ा? पिताजी ने पढ़ाया? नो, खुद। अच्छा पहले पढ़ाई थी? नहीं। तो क्या लक्ष्य हासिल किया था आपने? यस, ये 90 प्लस के आने चाहिए। अच्छा, तो उसी में कितने मार्क्स आए? 88%। 88%। तो आपने सोच लिया था कि 95 को पार कर? तो 99 क्यों नहीं आ सकता? क्या कमी रह गई? वो हिंदी में थोड़ा मार्क्स। सही है गाइस। चलो, फिर भी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए। तो आप और बच्चों को क्या संदेश देंगे? कि भाई ध्यान पढ़ाई करो और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दो। इस बच्ची ने कहा कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दो। बेटा आपका क्या नाम है? प्रीति कुमारी फ्रॉम संत निका सिंह पब्लिक स्कूल। यस। तो किस विषय में आपने? आर्ट्स। कितने परसेंट? 98। क्या बनना चाहते? सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो फादर क्या? फादर इज अ सुपरवाइजर इन मॉडर्न डेयरी। माताजी? शी इज अ टीचर। मोटिवेशन तो मेरी टीचर्स भी बहुत देती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली तो टीचर्स मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। क्लासेस, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी, जिसमें मतलब मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। 98% है। किसको आप श्री दोगे? मम्मी को या टीचर को? मम्मी और टीचर्स दोनों को, क्योंकि दोनों का इक्वली सपोर्ट है। इक्वली सपोर्ट है। हाँ जी। तो क्या एम है, क्या बनना आपने? सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। ठीक है, गुड जॉब। जो दूसरे बच्चे हैं जो 10वीं 8वीं के हैं, वो आपकी तरह 12वीं में आएंगे। हाँ जी। तो क्या उनके लिए संदेश है? उनके लिए सर मैं कहना चाहूंगी कि मतलब रेगुलर स्टडी करें और खुद को मोटिवेटेड रखें, बस। क्या नाम है बेटा? गुड़िया। सीमा देवी। सीमा, कहाँ से हो बेटा? गांव से हूँ, कलसोरा से। कलसोरा गांव, वेरी गुड। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर, भारत पब्लिक स्कूल रिंडल। कौन सा विषय था प्लस टू में? आर्ट्स। कितने परसेंट थे? 98.4। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, वेरी गुड। मम्मी? गृहिणी है। अच्छा, मम्मी घर का काम करती है? यस सर। ट्यूशन ली थी? यस सर। तो इतने कैसे आपको? सर, खुद की मेहनत है, टीचर्स का सपोर्ट रहा है, सेल्फ स्टडी की है। ट्यूशन नहीं ली? नो सर। देखिए, एक चीज मैं आपको, तीसरी बच्ची का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तीनों का ये कहना है कि उन्होंने ट्यूशन नहीं ली, सेल्फ डिफेंस रही, सेल्फ पढ़ाई की खुद की। तो
बेटा किसने आपको मोटिवेशन किया टीचर के अलावा घर में? मतलब पेरेंट्स का तो सर ये था, मुझे मेरी मम्मी जी बीमार रहती है, घर के काम में भी हाथ बटवाना पड़ता है। तो आपने घर का काम भी किया? यस सर। कितने घंटे का आपने पढ़ाई की? सर मैंने बेसिकली मेरा टाइम था रात का, रात का 10 बजे से 12, 12:30, 1 बजे तक एक दिन में टाइम मिलता था, दिन में करती थी। तो सब्जी रोटी भी आपको बनानी पड़ती है? नहीं सर, और हाउस होल्ड वर्क इसके अलावा। अच्छा, आपने कितने घंटे घर का काम किया? सर जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती थी। पिताजी ने भी आपको कहा कि बेटा कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में? नहीं सर, वैसे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टाइम तो दिया बट उसके साथ साथ काम भी करना पड़ता था। ठीक है सीमा, आपको भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने क्या नाम है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। पल्लवी। पल्लवी यस। बेटा कहाँ से? कैमला। कैमला गांव से। कौन से स्कूल में? जीएसएस कैमला, गवर्नमेंट जूनियर स्टैंडर्ड स्कूल। यस सर। कितने परसेंट मार्क्स आते? 96.8। 96.8 मेरे को 97% के करीब है। यस सर। तो कौन सा विषय था आपका? जियोग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत। वेरी गुड। तो बेटा किसने आपको इतना मोटिवेशन किया? सरकारी स्कूल के बच्चे तो आमतौर पर तो यही सोचते हैं कि हम 50% आ जाएं या किस तरह 33% हमारे मार्क्स हैं। वही सर, हमारे टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। फर्स्ट मेरे तो कोई वो भी नहीं थी कि मैं आर्ट लूंगी, बट मेरी मैम थी एक सुषमा, उसके कारण मैंने आर्ट ली। फिर बाद में उनका ट्रांसफर हो गया, फिर मैं मोहन सर के टच में गई तो वो इतने अच्छे पढ़ाते थे, वो हमेशा जीरो पीरियड एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, तो जिसके कारण हमारी स्टडी तरफ बहुत होगी, मतलब हम स्टडी में बहुत मजा आने लगा। सर बोलते थे हमें कि बेटा इसे बर्डन मत समझो, इसे इंजॉय करो। हमें स्टडी में इंजॉय कराते, जो भी हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था ना, वो उसे इतनी अच्छे से समझाते थे कि ना वो हमें लाइफ टाइम तक याद है, आज भी उन्हें कॉन्सेप्ट समय क्लियर है। आपके मन में ये था कि सरकारी स्कूल के टीचर आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे? जब मैं सरकारी स्कूल में आई थी जब मुझे लगता नहीं था। दसवीं में कितने मार्क्स? 76 से आप गए 96 पे। यस सर। तो कितने टीचरों ने आपके पीछे? मेरे पीछे 5। पिताजी क्या करते हैं आपके? स्वीपर हैं। स्वीपर हैं। देखिए ये पल्लवी है, गांव कैमला बताया आपने, कैमला गांव के। पिताजी सफाई कर्मचारी हैं और एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने तीन विषयों में 96 से अबव नंबर, वो भी सरकारी स्कूल की। बेटा माता क्या करती है? मम्मी कुक का, मिड डे मील में स्कूल में। अच्छा, वो भी काम करती है। तो आप फिर घर के काम में भी हाथ बटाते होंगे? यस, अपने बहन भाई को पढ़ाती हूँ, घर का काम भी कराते थे और हमेशा मतलब कि स्टडी जब भी करते थे सबके साथ काम करते थे। जो दूसरे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं 8वीं में 10वीं में, वो भी प्लस टू में आएंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनसे कहूँगी कि ना आप ना स्टडी को बर्डन मत समझो, इसे इंजॉय करो। इससे ज्यादा तो कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड होगी इन बुक्स से, इसलिए बुक्स को कभी भी बुरा मत समझो, ये हमें हमारी अच्छी फ्रेंड्स होती है। गुड़िया क्या नाम है बेटा? गगनदीप कौर। कौन से स्कूल से हैं? भासो से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भासो। किस विषय में आपको? कॉमर्स में। तो कितने परसेंट आए? 96.6। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू, बधाई हो आपको समाचार एक्सप्रेस। थैंक यू। अब क्या है मैं आप? सीए बनना है सर मैंने। सीए बनना। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? फार्मर है। और माताजी? हाउसवाइफ। तो किसने आपको कहा कि आप इतने परसेंट मार्क्स हासिल करोगे, तो क्या करना? मेरे टीचर्स जो मेरे बहुत ही खास रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया, एंड माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, एंड मेरे पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया है, और ज़्यादातर मेरे टीचर्स ने। बीच में एक बार ट्रांसफ़र हो गई थी टीचर्स की, तो ऐसा लगा कि शायद छूट जाएगा, लेकिन नहीं, जो पुराने टीचर्स थे उन्होंने भी बाद में मोटिवेट किया, एंड जो नए आए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया मुझ पर, एंड उन्हें था कि मैं जरूर टॉपर होऊंगी, और मैंने उनका सपना पूरा किया है। मम्मी पापा भी पढ़ाते थे? नहीं, मम्मी पापा नहीं पढ़ाते थे, वो ऐसा ही कहते थे लेकिन तुम पढ़ो, काम की टेंशन मत लेना, काम वो मुझे नहीं करने देते थे, बस हमेशा पढ़ने देते थे। जैसे शाम को 5 बजे आते थे हम, तो रात को भी मैं सुबह 2 बजे उठ के पढ़ लेती थी, और कई बार तो रात भी सोती नहीं थी, पढ़ती थी बस अकाउंट्स। ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन थी, मुझे टीचर्स ने बोला एक बार अकाउंट्स की ले लो, सीए बनना है, थोड़ी और नॉलेज मिल जाएगी, तो लेकिन अकाउंट्स का एग्जाम नहीं हो पाया कोरोना वायरस की वजह से। नहीं, यहाँ नहीं, ब्रदर आए हैं और एक अंकल आए हैं। तो दूसरे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, आप क्या कहो, क्या कहना चाहते हो, आप उनको क्या कहोगे कि वो भी देश का उज्जवल भविष्य बने? कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, कैसे?
मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो तो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं उनकी रिवीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसको घर जाके नहीं पढ़ेंगे ना तो सब कुछ बस साफ हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि पहले जो टीचर्स करवाते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो, फिर खुद से एफर्ट लगाओ। खुद से एफर्ट लगाओगे तभी हो पाएगा, अकेले टीचर्स के एफर्ट से नहीं। जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आप भी पढ़े हो गया? जी सर। कौन सी क्लास? सिविल इंजीनियर हूँ सर। सिविल इंजीनियर कहाँ पे? मेरी अभी ड्यूटी इंद्री है सर। हाँ जी सर। तो आप अपनी बहन को क्या बनना देखते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज्यादातर नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अच्छे मार्क्स। जी सर। सही। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना। कौन से गांव से? सरगोली से। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूल की बच्ची है ये तमन्ना। सर गैस एजेंसी में काम करते हैं। कर्मचारी? यस सर। मम्मी का? हाउसवाइफ है सर। हाउसवाइफ। पढ़ाई में दिक्कत आई होगी आपको? यस सर। घर की परिस्थितियाँ ठीक है? घर ठीक ठाक है सर। वैसे तो ठीक थी लेकिन दिसंबर 2009 मेरे दादाजी की जब मौत हुई तब थोड़ी वो अजीब हो गई थी। सर मेरे दादाजी की? अच्छा, नो सर वो थे। ये सर ठीक। तो फिर कैसे आपको मिला कि मैंने टॉप करना? सर ये मैं पढ़ती थी, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे कि आपको पढ़ना और अच्छे मार्क्स लेने। नो सर। क्यों? क्योंकि ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही पढ़ती थी। यस तो क्या है मैं क्या बनना? यूपीएससी में आई पास। यूपीएससी में? यस सर। दूसरे बच्चों में क्या बोलते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? वो लगते हैं कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, हमें टीचर पढ़ाएगा नहीं, और वो ट्यूशन करते हैं इधर उधर। क्या बच्चों को कहोगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी बन सकते हैं आपके? मैं बस ये कहूँगी कि सरकारी और प्राइवेट में कोई भेदभाव, अगर किसी को पढ़ना तो सरकारी में पढ़ सकता है और प्राइवेट में चाहिए कहीं जाए। बस जिसको कुछ प्राप्त करना, बस एक ही चीज़ के लिए जुट जाओ जिसको जो कुछ प्राप्त करना है। तमन्ना भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये भी तमन्ना से पहले भी एक बच्ची जो सरकारी स्कूल में जिसने 97% मार्क्स लिए, उसने भी कहा कि पढ़ाई अगर आपने करनी है तो आपको अपना मन और ध्यान बड़ा केंद्रित करना पड़ेगा, एक लक्ष्य को निर्धारित करके ही अगर कड़ी मेहनत की जाए, लगन किया जाए, तो मुश्किल से मुश्किल मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। समाचार एक्सप्रेस आप जाइएगा कहीं नहीं, समाचार एक्सप्रेस अभी और भी कई बच्चे हमने यहाँ जो आज मुख्यमंत्री से सम्मानित हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। भारती बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर त्रावड़ी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं भी त्रावड़ी का हूँ। तो किस सर ने आपको मोटिवेशन दिया? सर हमारे जितने भी सर हैं ना सारे मोटिवेशन देते हैं हमें। गुरुद्वारे वाले पास वाले स्कूल में, इधर जो सामने है गुरुद्वारे वाले स्कूल, हमारे इंचार्ज भी हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, और जो हमारे और टीचर हैं अनुपमा मैम और नवीन सर आए भी हुए हैं, ये भी हमें मोटिवेशन देते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं और बहुत मतलब हम पे इतना इस तरह से प्रेशर नहीं डालता कोई कि तुम दिन रात पढ़ते रहो। बस एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि बस जो स्कूल का काम है ना वो रोज आके कर लो। बस अगर कोई वो भी कर लेता है ना तो उसे इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि वो दिन रात पढ़ता रहे और कि मतलब किताबों को छोड़ दे ही ना। आप खेल कूद के अपना बस समय पर अपना काम करके भी आप टॉपर बन सकते हो। इस विषय में कितने परसेंट हासिल? जी कौन से विषय में कितने परसेंट आपने हासिल किए? कौन सा विषय था आपका? 96.6। आर्ट कॉमर्स साइंस? कॉमर्स। पिताजी क्या कर रहे थे आपके, क्या करते हैं काम? मैजन है। पढ़ाया घर में ही पढ़ाया? हाँ जी। दूसरे बच्चों के लिए क्या कहोगे बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि आमतौर पे बच्चों में धारणा होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, वो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, पैसा खर्च होता है, माँ बाप देने की स्थिति में नहीं होते। असल में ऐसी कोई बात नहीं होती, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब जो प्राइवेट स्कूल मतलब मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगी, पर जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपीरियंस करके आते हैं। जो हमारे स्कूल में टीचर हैं हम किसी एक टीचर में भी कमी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब जो सारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। भारती एक सवाल हो,
मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप सरकारी में नहीं होते, किसी बड़े स्कूल में, निजी स्कूल में होते, तो क्या आपके नंबर इससे ज्यादा? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करता अगर मैं होती, पर मतलब जो हमारे स्कूल है मैं उसको बड़ा ही मानती हूँ, क्योंकि ये मतलब गलत जो बात उन्होंने नोशन अपने अंदर वो कर रखा है कि भाई सरकारी स्कूल तो मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है, वहाँ के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पर मैं यही मानती हूँ कि सरकारी स्कूल के टीचर ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। सर क्या नाम है आपका? नवीन गुप्ता सर। नवीन जी, तो बेसिकली आप तरावड़ी के रहने वाले? नहीं, तरावड़ी के नहीं, मैं करनाल का रहने वाला हूँ, पर तरावड़ी में तरावड़ी स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे बहुत मेहनती हैं और हमारा स्कूल एक यूनिक स्कूल है पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल है वो, तो मॉडल संस्कृति। मैंने नौवीं और दसवीं उसी में की। वहीं से की है? चलिए बहुत अच्छी बात है सर, फिर तो आपको पता ही है सारी बात का कि वो यूनिक स्कूल है हमारा, और ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, और एक अलग क्राइटेरिया रहता है स्कूल का, सारा इंग्लिश मीडियम रहता है स्कूल, और बच्चे जो हैं वो वहाँ पे टेस्ट के द्वारा मतलब एंट्रेंस होती है वहाँ पे, तो इसलिए बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और टीचर्स सारे के सारे अध्यापक जो है बहुत मेहनत करते हैं उनके ऊपर। और कितने बच्चों ने टॉप किया भारती के अलावा स्कूल में? स्कूल में टॉपर तो यही बच्चा है, मतलब हाँ टॉपर यही बच्चा है, बाकी तो फिर फर्स्ट ये बच्चा है, सेकंड की बच्ची हमारी आई है वो चेतना है। ओवरऑल सेकंड आई है, 477 मार्क्स इसके। बेटा आप भी त्रावड़ी के? यस। क्या पिताजी क्या करते हैं? शॉपकीपर हैं। हाँ। रेलवे रोड स्टेशनरी का काम करते हैं। क्या नाम है बेटा? चेतना। बेटा किसने आपको मोटिवेशन किया घर पे? घर की पिताजी घर पे किसने कहा बेटा पढ़ो खूब पढ़ो? बचपन से ही मेरे पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि पढ़ो पढ़ो, मतलब हम कुछ नहीं कर पाए तो आप कुछ करके दिखाओ। आपको लगा कि मैं सरकारी स्कूल में टॉप कर जाऊं जैसे आप सेकंड? नहीं, सरकारी का कुछ नहीं, बस करना है तो करना है, कहीं से भी रह के करो। यानी कि सरकारी में पढ़ो या निजी स्कूल में पढ़ो, बच्चों को खुद ही करना पड़ता है ना, और कर भी सकते हैं अगर कठिन परिश्रम करे हैं तो। कितने घंटे पढ़ाई किया? मैंने जितना हो सका उतना ज्यादा पढ़ाई की, मैंने ये नहीं सोचा कि इतने परसेंट लाने हैं या इतना मेरी अचीवमेंट होनी चाहिए, बस मैंने अपनी पूरी मेहनत की और आज फल सामने है। सेकंड आए आप है ना, तो भारती से थोड़ा जलन? नहीं जलन नहीं, मुझे बहुत खुशी है, ये मेरी बहुत अच्छी फिल्म है। क्लास में फिर नेक्स्ट टाइम पूरी करूंगा। क्या नाम है बेटा? रितु नाम है। रितु? हां जी। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा। घरौंडा रोंडा के सरकारी स्कूल की रितु, कितने परसेंट मार्क्स आए? 96.2%। कौन से विषय में? सर हिंदी, सॉरी इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में 97-98 आए हैं। रितु पूछूंगा सबसे पहले कि पिताजी आपके क्या काम? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। देखिए इस बच्ची ने टॉप किया, आज मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, इनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं। मम्मी क्या करती है बेटा? मम्मी हाउसवाइफ है सर। बेटा आपके पिताजी को भी बधाई देते हैं हम, और आपकी माताजी को, आपको तो बधाई दे रहे हैं, आपने अपने माँ बाप के सपनों को साकार किया है। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह हर क्लास में टॉप करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मैं एक रिक्शा वाली की बेटी हूँ और मैं इतने परसेंट नंबर लाई, आगे भी आप इसको अचीवमेंट जारी रखेंगे ना? Yes, I'm so glad because मेरे मम्मी पापा को मुझ पर गर्व हो रहा है कि भाई आपने इतने नंबर लिए हैं, आपने टॉप किया है, इसलिए खुश हूँ। जैसे लॉकडाउन रहा बेटा, तो घर में एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि पिताजी का रिक्शा नहीं चल पाया होगा, ऐसा बड़ी दिक्कत आई होगी, तो कैसे आपके माँ बाप को तो बच्चों की फिक्र होती है, तो कैसे आपको सरवाइव किया? सर यही किया कि मम्मी पापा बस काम सारा बंद हो गया था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अच्छा तो आप पेपर देने से पहले आपने क्या सोचा था कि मैंने पिताजी रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि ट्यूशन तो आपको मिली नहीं होगी, ट्यूशन तो मिली नहीं होगी ना, तो आपने क्या सोचा था कि मैंने इतने परसेंट नंबर हासिल करने? सर बस मैंने अपनी मेहनत पे विश्वास किया कि जितनी मेहनत मैं करूंगी उतने ही मेरे नंबर आएंगे, और जितनी मैंने मेहनत की और उतने ही मेरे मार्क्स आएंगे। आपने मन में ऐसा भी सोचा कि पिताजी रिक्शा चलाते, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जो पिताजी रिक्शा ना चलाएं?
हाँ जी सोचा है कि मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं बीए करूँ और ज़्यादा, मतलब मेरा एम टीचर बनने का है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे मम्मी पापा को ना मैं वो रिक्शा नहीं चलानी पड़े, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकूँ, ऐसा चाहती हूँ। रीत तो ये चाहती है कि उसके पिताजी रिक्शा ना चला पाएं। इस बच्ची ने बड़ी कठिन परिश्रम की, वो भी एक सरकारी स्कूल में। हम इस सरकार, इस बच्ची रितु के जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, हम उनको भी थैंक्स कहेंगे और उनसे अपील करेंगे कि रितु की तरह वो ऐसी और भी बच्चों का ख्याल रखें जो बहुत बेहद गरीब घर से हैं। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, ये साफ है कि कितने सरकारी स्कूल के बच्चे। बेटा आपको समाचार एक्सप्रेस की ओर से बड़ी खुशी। थैंक यू सर। क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज निशांत एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बियाना। हां जी। हां जी। बेटा कितने परसेंट नंबर आ गए? सर 96.2 इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम। नॉन मेडिकल, ये तो बहुत मुश्किल है। हां जी सर। कितने घंटे? मैं हर रोज 6 से 7 घंटे जैसे स्कूल से आने के बाद पढ़ता था, और फिर जो भी टीचर ने वर्क दिया उसको सुबह में एक बार रिवाइज करके जाता था। प्लस वन तक मेरी स्टडी सीबीएसई बोर्ड से रही और प्राइवेट स्कूल से, तो जैसे ही हमको प्लस वन में स्कूल छोड़ना पड़ा, बिकॉज जो मैं पिछले स्कूल में पढ़ता था वहाँ स्ट्रीम तो थी लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में ट्राई करो। उस टाइम मेरे को डर था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स अच्छे नहीं है, लेकिन जब मैं गया तो कंडीशन पूरी तरह चेंज थी, रिवर्स थी। टीचर बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इतना एनकरेज किया। उनके फार्मर है सर मेरे फादर, हाउस वाइफ है सर। नो सर, सर मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं वो, और ये एक बात है कि एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो मेरी जो केमिस्ट्री टीचर है वो 13 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और जो मेरे फिजिक्स टीचर है वो 12 साल से, और मैथ्स टीचर भी सर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको है। तो मैं मानूंगा कि मेरे टीचर्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और जो मेरी थिंकिंग थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आगे स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में ट्राई करें, टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। निशांत अब आपके मन में है क्या, बनना क्या आपने? सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर में ट्राई करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर अगेन सर। एग्रीकल्चर का? हाँ जी। हाँ जी, लेकिन मैं कुछ टेक्निकली इस तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समाचार एक्सप्रेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा? भावना। भावना कौन से काम मुनक्स। मुनक्स। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सरकारी स्कूल में। तो बेटा कौन से विषय में कितने परसेंट आए? आर्ट में 95। पिताजी क्या करते हैं बेटा? फार्मर है, किसान। कितनी जमीन है? आधा किला। बस आधा एकड़? इसके अलावा और कोई नौकरी वगैरह नहीं करते? मम्मी क्या करते? मम्मी घर पे ही रहते हैं, सिलाई करते हैं। घर का गुजारा कैसे होता है बेटा, आधे एकड़ में तो बहुत मुश्किल होता है गुजारा। तो आपके मन में अब क्या फीलिंग है कि मैंने क्या करना है? आगे मुझे पढ़ना है। पढ़ना है, कुछ बनना है ताकि घर गृहस्थी ठीक हो सके। तो ट्यूशन तो आपने लेनी होगी। ट्यूशन तो आपके पिताजी को अब क्या महसूस हो रहा है, माता पिता को? काफी खुश हुए मम्मी पापा। तो आप पढ़ाई जारी करेंगे, आगे जो महंगी किताबें आएंगी किस तरह से इसको खर्च आपके पिताजी उठा पाएंगे? कोई और रिश्तेदार भी मदद करते हैं बेटा? पापा करते रहते हैं, यानी कि कोई भी काम मिलता उसको करते रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, मतलब खेती के अलावा। खेती तो बेटा थोड़े दिन की होती है, अब जैसे जीरी है, धान अपना बीज दिए, 6 महीने बाद चाहे 5-6 महीने बाद फसल आएगी, तो मतलब कोई और मजदूरी का काम करेगा। क्या नाम बताया था आपने पिताजी का? बाल किशन। भावना के पिताजी के पास आधा एकड़ जमीन है। आप इस बच्ची को देख लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली है, 95%, यानी कि कहते हैं ना पूत के पांव जो है ना पाले में दिख जाते हैं। ये भावना भी मन में ऐसी सोच लेकर चलेगी कि मुझे कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए। अगर आप ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, जितने भी बच्चे को हम इंटरव्यू ले चुके हैं उन्होंने सबने यही कहा है कि हमने ट्यूशन नहीं ली, सेल्फ घर के हालातों को देखते हुए उन्होंने माँ बाप को भी दुखी नहीं किया। घर का काम भी बेटा करते होंगे? हाँ, देखो भावना घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है। आज इस बच्चे ने 95% मार्क लिए हैं, आपको भी भावना से सीख लेनी चाहिए। हमने आपको देखिए, एक सफाई कर्मचारी, कोई रिक्शे वाले की बेटी, और ये आधा एकड़
बेचारा गरीब आदमी फार्मर किसान उसकी बेटी ने 95%, तो कोई ना कोई एम आपका होना चाहिए, लक्ष्य आप निर्धारित जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा भावना, समाचार एक्सप्रेस की ओर से बड़ी शुक्रिया। काजल, हाँ जी काजल, किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, सालवन। सरकारी स्कूल? हाँ जी। कहाँ पे है बेटा? सालवन सर। सालवन? हाँ जी। सालवन तो सन में पढ़ता है? हाँ जी हाँ जी। पिताजी क्या करते हैं बेटा? हाँ जी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। किसान हैं? कितने एकड़ खेती है? सर एक एकड़ बस। हाँ जी सर। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है मेरी। हाउस वाइफ है? हाँ जी। आपके घर की परिस्थितियाँ तो काफी अंडर कंट्रोल होगी? हाँ जी। तो ट्यूशन वगैरह तो आपको मिली? नहीं नहीं। तो घर में आपके अलावा भाई बहन कितने? मेरे दो भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है, ये मेरे पास बैठी हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटे हो? हाँ जी। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? सर मैं IPS बनना चाहती हूँ। IPS? हाँ जी। वेरी गुड। तो कितने परसेंट मार्क्स आए आप? सर मेरे 95.4% मार्क्स आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपको कितने परसेंट आगे जाके और मार्क्स हासिल करोगे? सर इससे तो अच्छा ही टारगेट है, इससे आगे इसे ग्रोथ करना है, अपने पेरेंट्स का नाम बनाना है, तो इसे तो आगे करना है ही है। आपके भाई भी पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। क्या किया वो उन्होंने? मेरे भाई ने, एक ने 12th की हुई है और एक ने BA की हुई है। क्या करते हैं भाई? नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं। आपके किसी भाई के भी आपके आपकी तरह 95% नंबर है? नहीं। घर की बेटी ने 95% नंबर लिए, एक एकड़ जमीन के मालिक हैं इनके पिताजी, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भी मेहनत मजदूरी करते होंगे। आपको दुख होता होगा कि हम गरीब हैं, हमारे पिताजी की मेहनत करते हैं, भी मैं कुछ बन के दिखाऊं जिससे घर के हालात? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे टीचर्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम तो कुछ करके दिखाओ, मतलब किसान की लड़की हो तो अपने पापा का नाम रोशन करो, तो सबने मुझे मोटिवेट किया। सरकारी स्कूल में बेटा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। 8वीं 10वीं में वो भी आपकी तरह 12वीं में आएंगे। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को, किस तरह से वो आपकी तरह 95% चल रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहूंगी, हमें ना मतलब जो लाइफ में जो मतलब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, हमें उनको डट के मुकाबला करना चाहिए। अब वो भी मेरी तरह ही होंगे तो मैं ये बोलती हूँ, मतलब ऐसे मतलब वो करो, मैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कितने घंटे बेटा मिलते हैं आपने? सर मैं लगा देती थी 4-5 घंटे स्कूल से आने के बाद रात को। थैंक यू काजल, समाचार एक्सप्रेस की ओर से हम आपकी शुभकामनाएं भी देते हैं और आइए भगवान से दुआ करते हैं कि आप और भी ऊंचाई को हासिल करो और माता पिता का नाम रोशन। बेटा क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल कहाँ से बेटा? निसिंग से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्लस टू में कौन सा विषय था बेटा आपका? आर्ट्स। कितने परसेंट आया बेटा? 95.6%। बेटा जी क्या करते हो? क्या सर? फादर साहब क्या करते? शॉपकीपर है सर। दुकान है किस चीज की? करियाने की है सर। काम में? नहीं नहीं, निसिंग में ही है। मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ है। आप क्या बनना चाहते हो? मैं लॉ करना चाहती हूँ। हाँ जी लॉ। अच्छा, वकील। वकील बनना चाहते हो? वकील कैसे मन में आया कि वकील बनना है? अपने कॉन्फिडेंस को, बोलने के कॉन्फिडेंस को, या अपने उस अपनी मेहनत को देखकर ही लॉ करने की सोची है। आपके स्कूल में बेटा सबसे ज्यादा किसने आपको, किस टीचर ने आपको मोटिवेट किया? मुझे लगभग सभी टीचर्स ने मोटिवेट किया, श्यामलाल सर ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। कोई एक ऐसा टीचर जिसने स्कूल के बाद भी या आपको अलग से कोई पढ़ाई के लिए अपना समय दिया? करवाया है सर। हाँ जी। कभी आप? यस सर। तो सरकारी स्कूल में आप परसेंटेज आती कर लो? यस सर, पता था। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। साक्षी बर्मन। साक्षी कौन से स्कूल में बेटा? पारस पब्लिक स्कूल। निर्मल विहार, नियर सेक्टर 6। यस सर। किस विषय में कितने परसेंट आए? सर मैथ में 99 और केमिस्ट्री में 98। टोटल मार्क्स 485। फादर साहब क्या करते हैं? फादर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। बनना क्या आप? इंजीनियर बनना सर। ट्यूशन वगैरह ली थी? कितने घंटे पढ़ाई थी? यही लगभग नॉर्मल डेज में 6 आवर्स और पेपर के टाइम में 10-12 आवर्स। कोई ऐसा पल भी आया बेटा जब आपको लगा ये आप नहीं पढ़ पाओगे, इतने परसेंट हासिल नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा पल? नो सर। पढ़ाई के वक्त कोई बहुत बड़ी घर में कोई दिक्कत आ गई हो? नो सर, ऐसा कुछ नहीं। जी मेरा नाम साहिल कुमार है। साहिल बेटा कहाँ से? जी तुसंग से। जी तुसंग जी। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट? हाँ जी। कौन सा विषय था?
हाँ जी। कौन से विषय में पढ़ाई की बेटा? जी आर्ट्स में। क्या बनना चाहते हो? जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अध्यापक बनना। कितने परसेंट आए बेटा? 96%। कितने क्या करते हो बेटा? पिताजी किसान है जी। किसान है। कितनी खेती है बेटा? 2 एकड़ जी। 2 एकड़। इसके अलावा मेहनत मजदूरी भी करते होंगे? हाँ जी। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है। तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई आपको कभी? घर के अंदर ऐसा लगा माहौल पैदा हो गया और नहीं पढ़ पाओगे? नहीं सर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की अपने घर में। घर में पिताजी या मम्मी में से किसी ने आपको पढ़ाया? नहीं जी, मैंने खुद ही ये खुद किया। हाँ जी। किस टीचर ने आपको मोटिवेट किया? मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरा अच्छा मार्गदर्शन किया सर। थैंक यू बेटा। क्या नाम है बेटा? अमृत कौर। अमृत कौर। अमृत कौर। यस कौर। यस सर। कौन से स्कूल में? सर आनंद पब्लिक स्कूल से निकदू। निकदू से? नीलोगढ़ी से? यस सर। बेटा कौन सा विषय था? सर कॉमर्स था। कितना परसेंट आया? सर 96.8% आया। वेरी गुड। आपके पिताजी? सर पापा वो है राशन डिपो है उनका। राशन डिपो। मम्मी क्या? मम्मा हाउसवाइफ है। मम्मा हाउसवाइफ है। अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई करते वक्त घर में क्या-क्या दिक्कतें थी आपके लिए? सर इस साल तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा और वजह ये मतलब इस साल ना मेरे को एक दो मंथ में स्कूल भी नहीं जा पाई बिकॉज मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया और मैथ्स में लगा भी हाँ मेरे से सिलेबस नहीं हो पाएगा। फिर लगा भी हाँ ट्यूशन रख लेते हैं। फिर लास्ट एक दो मंथ ट्यूशन रखी तो फिर सिलेबस थोड़ा कवर हुआ फिर ना। और इस साल इन्वर्टर भी ख़राब हो गया था। अच्छा। फिर रात को फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके पढ़ना पड़ता था तो फिर लाइट चली जाती तो फिर इन्वर्टर तो चलना नहीं था फिर फ्लैश लाइट ऑन करके पढ़ती थी। तो क्या बनना चाहती हूँ बेटा? सर बनना भी चाहती हूँ पर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को मतलब जिससे मेरे पेरेंट्स को मेरे पे प्राउड फील हो। वैसे मेरा एम सीए है। हाँ जी। तो घर के हालात ठीक ठाक है मतलब जैसे आप बता रहे हो? कुछ करना भी चाहती हूँ कुछ बनना भी चाहती हूँ। हाँ जी। आपके घर में और भी भाई बहन है? हाँ जी मेरी बड़ी सिस्टर है। क्या करती है? वो बीकॉम कर रही है। उसने भी आपकी हेल्प की होगी? हाँ जी उसने भी की। मेरे को अकाउंट्स में अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वही सॉल्व करवाती थी क्योंकि मैं अकाउंट्स में अगर ट्यूशन नहीं जाती थी ना। यस सर। ये जो आप जिस स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन सी ऐसी टीचर है जिसने आपको बहुत ज़्यादा, उनका नाम बताओ। सर टीचर्स सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेफरेंस दी मतलब मेरे को मोटिवेट करते थे मतलब मेरी सक्सेस के पीछे बहुत सारे पर्सन्स का रोल है। मेरे पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स टीचर्स स्कूल प्रिंसिपल सर पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी मम्मा को दूंगी। आपके साथ कौन आया? मेरे चाचू आए हैं। मम्मी को देंगे आप? यस सर। देखिए कह रहे हैं मम्मी को देंगे। सर बधाई हो थोड़ी पति जिन्हें मार्क्स हासिल किए की बनाना चाहोगे? देखो जी जो बच्चे की खुशी हो वही बन गए हैं। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰ ਡੋਡਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟੋ ਕੀ ਬਜਾਏ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਟੋਪਰ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ 90 ਦੇ ਆਗੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੋਨਾ। ਮੋਨਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਸੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਹੋ? ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੰਦਰੀ ਮੇ। ਇੰਦਰੀ ਮੇ। ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ? ਲੇਬਰਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਾੜੀ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਗਾੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। आपने कितने परसेंट मार्क हासिल किए? 97.2%। 97.2%। कौन से विषय में? कॉमर्स। बनना क्या आपने? बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे मैनेजर। बैंक में? अच्छा मैनेजर बनना चाहते हो? जी। तो घर के हालात के तो आपके मीडियम सर के ही होंगे मेरे को? हाँ जी बहुत ज्यादा मतलब मीडियम है। बेटा जब आपने पढ़ाई की क्या क्या मुश्किलें आई घर के अंदर? मेरे पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मेरे 10th बेस पे मैं प्लस वन प्लस टू मेरी फ्री हुई है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। तो उनको बहुत इस चीज़ की खुशी है कि मेरे अभी इतने अच्छे मार्क्स हैं तो बहुत खुश हैं वो। कितने घंटे मेहनत की बेटा?
लगातार 6-6, 7-7 घंटे घर में किसी ने पढ़ाई के वक्त तंग तो नहीं किया? नो सर। अच्छा अब एक बात बताओ, जो दूसरी बेटियां हैं, जो दूसरे बच्चे हैं आपके, जो दूसरी बहनें हैं, जो अब 10वीं 8वीं में पढ़ रही हैं, उनको आप क्या कहो? बस अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अच्छी तरह से पढ़े लिखे, बस अपने पेरेंट्स का नाम सब सुनचा करें। थैंक यू बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? सर कृतिका। यस सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सर SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल राडा करना है। सरकारी में? नो सर। कहाँ पे है? राडा। बेटा फादर क्या करते हैं? सर फादर की डेथ हुई हुई है और अंकल फार्मर है। ओ, तो मम्मी हाउसवाइफ। तो बेटा आपको तो बहुत मुश्किल आई होगी पढ़ते समय। नो सर, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो मुझे पढ़ाती है और स्पेशली स्कूल स्टाफ अच्छे हैं, MD सर और प्रिंसिपल सर। बेटा कौन से विषय में कितने परसेंट आए आपके? सर आर्ट्स 97%। 97 आर्ट में। बेटा क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है? सर मुझे लॉ करना। लॉ करनी है? वकील बनना है? यस सर। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है बेटा जिसने आपकी बहुत बड़ी हेल्प? सर प्रिंसिपल सर। घर में? सर ये हमारे घर के ही है। मैं इसका चाचा जी हूँ, नरेश कुमार, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जी। इसके डैडी की डेथ हो गई थी बचपन में ही और हमने इसका पूरा सहयोग किया, आगे भी जिंदगी भर हम सहयोग करेंगे। ये हमारे MD सर है, स्कूल संचालक है महिपाल राणा जी। इस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए थे? भी एक कत्थल डिस्ट्रिक्ट में टॉप आई थी, पहले एक गांव बक्कल के अंदर थी गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अब हमने यहां पर मेडिकल के तौर पर स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया था। वहां मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं थी, वहां भी इसने टॉप 10 किया था। बच्चे ने तो आपके स्कूल का नाम रोशन कर दिया और आप चाचा भी हो, प्रिंसिपल भी हो। हाँ जी, इसमें बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, अपने बच्चे ने आज हमें गौरव प्रदान किया, अपने गाँव का, माँ बाप का, स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया जिसने। क्या नाम है बेटा आपका? अंकुर शर्मा सर। अंकुर, कौन सी क्लास में? 12th में सर। कौन सा विषय? कॉमर्स स्ट्रीम सर। कितने परसेंट? 96.8%। पिताजी क्या करते हैं? हाँ जी सर। पिताजी फादर? फादर फार्मर थे सर, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए थे दिसंबर में। आपको बहुत दिक्कत आई होगी जी सर, कई महीने तो स्टडी भी छूट गई थी हमारी। हाँ जी सर, फैमिली है, मेरी माता जी है बस घर पे, हम दो हैं अभी तो, फैमिली में दो ही मेंबर हैं बस, बाकी ट्यूशन वगैरह। हाँ जी सर, ट्यूशन सर अकाउंट सब्जेक्ट्स का था बट उसका एग्जाम नहीं हुआ था अभी। अच्छा, तो दूसरे बच्चे, उनको क्या हो? यही कि जो स्टडी है उसको हमें एज अ प्रेशर नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड की तरह उसको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। देखिए एक बच्ची अभी आई है, क्या नाम है बेटा आपका? सीमा। बेटा कौन से विषय में कितने परसेंट आए? सर मेरे आर्ट्स में आए हैं 95%। एंड कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल असंत करनाल। बेटा सबसे ज्यादा किस टीचर ने मेहनत की आपको, कितने परसेंट ले गए आप सरकारी स्कूल को? कैसे आओ? सर सभी टीचर्स ने मेहनत की है, खास करके हमारे प्रिंसिपल सर ने, उनका एफर्ट था इस करके हम यहाँ तक आए। फादर साहब क्या करते हैं बेटा? सर फादर साहब डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं। हाँ जी। क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर। बेटा जो आपकी छोटी बहनें जो 10वीं 8वीं में हैं, उनको भी सर वो तुम में से बहुत इंस्पायर है, वो भी मेरिट ही आती हैं जब भी आती हैं। आप बेटा सरकारी स्कूल जो आप पढ़े हो, उससे बात करिए, जो बच्चियां और बच्चे जो दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो ये सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स सरकारी स्कूल में पढ़ने पे नहीं आते, उनके लिए आप क्या कहोगे कि वो भी आपकी तरह बने? सर सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल होता है कि उनका नाम हम रोशन करें, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करें, स्कूल का भी नाम हो, हमारे मम्मी पापा का भी नाम हो, इसलिए हम ये कहते हैं। थैंक यू बेटा, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। रविंद्र चौधरी जी, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, एकदम से इतनी बच्चियों और बच्चों ने टॉप किया तो वो भी सरकारी स्कूल में, क्या वजह है? लास्ट ईयर से हमने एक शुरू से ही अगस्त मास से स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें हमने क्या किया कि मैक्रो और माइक्रो लेवल पे हमने प्लानिंग की कि कैसे हम सारा चीज़ लेके चलें। हमने 3 आईज का ध्यान रखा, पहली आई है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी आई है इनोवेशन और तीसरी आई है इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने इसके हिसाब से पहले तो सारी हमने
आइडेंटिफाई की जो भी कमियां थी, जहां पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, और उस कमियों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें क्या क्या लग सकता है, उसमें हम क्या क्या अपने इनोवेटिव आइडिया लगाए, वो हमने ढूंढे और उसके बाद उन सारे स्ट्रेटजी को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो लगभग छः मास की जो कंटिन्यूस मेहनत थी, उससे ये इतना बढ़िया रिजल्ट आया। ऐसा तो इससे बीच में टोकूंगा, एक सवाल है मेरा। मेरा सवाल ये कि आमतौर पे माँ बाप ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे टॉप नहीं कर सकते, इसलिए वो महंगे स्कूलों में जाते हैं, भारी भरकम फीस भरते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लगा है कि लोगों में शायद ये जो धारणा बनी थोड़ी गलत फहमी के शिकार है। पिछली जो सरकारी पॉलिसीज थी या राजनीति पॉलिसी थी, उनके कारण हमने देखा है कि पीछे शिक्षा के स्तर में काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन गत 5-6 सालों की कड़ी मेहनत से वो सारी ट्रेंड है वो बदल गया है। अब सरकारी स्कूलों में जो स्तर है पढ़ाई का, वो सारा इम्प्रूव होता जा रहा है और इस साल ये रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट रही है। और इसमें हमारा जो करनाल जिला है सरकारी स्कूलों में पूरे प्रांत में 5वें स्थान पर रहा है, और इसमें हमारा 10वीं का भी कक्षा का परिणाम है बहुत अच्छा रहा है, लगभग 15% का जंप रहा है, और 12वीं कक्षा का भी हमारा लगभग 10% का जंप इसमें रहा है। विंद जी, एक बड़ी प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों में, और बच्चों की शिकायत रहती है कि होम साइंस का टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, मैथ का नहीं है, हिस्ट्री का नहीं है। ये कमी पूरी हो पाई है क्या अब भी है सरकारी स्कूलों में? ये कमियां वैसी की वैसी अब भी हैं। अब भी कहीं पे मैथमेटिक्स का टीचर नहीं था, कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कहीं पे मैथमेटिक्स वाला नहीं था, कहीं पे हिंदी वाला नहीं था, तो उसमें हमने अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। हमने डाइट के सारे लेक्चरर्स को ले लिया, जितने ABRCs BRPs थे उनका भी सहयोग लिया, और जो कंप्यूटर टीचर था उनका भी सहयोग किया। और आप सुनकर हैरान होंगे कि पिछले दिनों ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी, उनमें बहुत से बच्चे काफ़ी अच्छे साइंस बैकग्राउंड और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के थे। हमने उनको भी फ्री हैंड दिया कि बेटा आप भी अपना ब्लैक बोर्ड पर चाक का इस्तेमाल करो और पूरा शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूरा अपना योगदान को। तो उसका ये फायदा हुआ कि जहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स थी, जहाँ पर टीचर नहीं थे या जहाँ पर कोई अध्यापक नहीं था, वहाँ पर भी वो कमी पूरी होगी और हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर गए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी ने आज इन सभी को सम्मानित किया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिला उपायुक्त हैं श्री निशांत यादव जी, उन्होंने भी इसमें पूरी पेंस ली, पूरा इंटरेस्ट लिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमारे ACS महोदय हैं डॉक्टर महावीर सिंह, और हमारे जो पूर्व डायरेक्टर थे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, उन्होंने भी इसमें भरसक प्रयास किया। तो उन सभी के प्रयासों का ये नतीजा निकला है जो हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसके लिए हमारे ACS साहब ने और हमारे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने स्पेशली हमें इसके लिए बधाइयाँ दी हैं। रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आपने किन किन सरकारी स्कूलों में दौड़ लगाई, जांच की और कमी को पूरा किया? मैंने यहाँ पर शुरू से ही प्लानिंग कर ली थी कि जितने भी जिला और खंड स्तरीय अधिकारी हैं वो हर रोज 4-4 स्कूल अवश्य चेक करेंगे, और जितने भी ऐसे स्कूल जहाँ पर दूर दराज के स्कूल हैं, जहाँ पर कभी कोई अधिकारी पहुँचा नहीं था, वहाँ तक भी हमने पहुँचने का प्रयास किया। उन सभी स्कूलों में हम पहुँचे और वहाँ पर पूरा टाइम लिया, बच्चों की कॉपियां तक चेक की, और पिछले दिनों का जो होमवर्क था वो भी चेक किया। उससे वहां के अध्यापक भी सतर्क हो गए और वहां का जो भी स्टाफ था वो अलर्ट हो गया, और उन्होंने भरपूर मेहनत की, भरपूर प्रयास किए। ये थे जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी जी। इनको भी काफी मेहनत करनी पड़ी, दौड़ धूप लगानी पड़ी, निरीक्षण करना पड़ा। इन्होंने बताया कि प्लानिंग पहले से कर ली थी और इन्होंने भी एक एम, यानी कि इन्होंने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि जब ये अम्बाला से करनाल आए तो इन्होंने कहा कि करनाल को किसी ना किसी शिक्षा के मामले में किसी मुकाम तक ले जाना है, और शायद रविंद्र चौधरी जी संतुष्ट होंगे। ये बच्चियां आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, कोई रिक्शा चालक की बेटी है, कोई किसी का पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी है नहीं, यानी कि इन बच्चियों ने सोचा एक एम
लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें भी कुछ ना कुछ करना है। आप भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आजकल आप ये मत सोचिए कि बच्चे में कोई क्षमता या दक्षता है नहीं, उसमें बिल्कुल काबिलियत है, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने बच्चों को निकम्मा नकारा मत समझिए, बच्चों को अपना आप दोस्त बनाइए, बच्चियों को भी आप फ्रेंडली तौर पर लीजिए, क्योंकि आज का ट्रेंड जमाना बदल गया है। बच्चियां, घर के बच्चे यही चाहते हैं माँ बाप से कि वो एक फ्रेंडली की तरह व्यवहार करें, उनकी दिक्कतों को समझे। कई बार घर की परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती हैं कि घर में पैसे नहीं होते, किसी बच्ची को मेरे घर शायद किताब नहीं मिली होगी, किसी को ट्यूशन नहीं मिली। मोस्टली बच्चों से हमने आपकी बात कराई कि उनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्होंने अपने घर के हालात बदलने हैं और उन्होंने अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करना है, नाम रोशन करना है, मोहल्ले में, शहर में, गांव में उनकी इज्जत बनानी है। और एक इंस्पायर किया, दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर किया, उन्हें भी एक लक्ष्य दिया कि अगर आप घर में कुछ नहीं है, आपके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, 100-200 की दिहाड़ी कमाते हैं, बच्चियां घर का काम भी करेंगी और मेहनत भी करेंगी, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, आप अपने बच्चों के मन में डाल दीजिए, आप अपने बच्चों को समझा दीजिए। और जो भी बच्चे समाचार ये देख रहे हैं, समाचार एक्सप्रेस को, वो इधर दिमाग पर जोर दें और ये लक्ष्य एक लाभ लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सिर्फ कठिन परिश्रम की जरूरत है, आप मुश्किल से मुश्किल मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये मेरे पीछे टीचर और अभिभावक भी आज उनके साथ आए हुए हैं, आज शायद ये बच्चियां भी खुश होंगी, रविंदर चौधरी भी आज खुश होंगे कि इनके प्लस टू की 22 बच्चियों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज सम्मानित किया, वो भी खेल मंत्री आज संदीप सिंह भी थे, साथ में DCSP थे। इन बच्चियों का एक उत्साह वर्धन हुआ है। तो बच्चों, आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी लक्ष्य कीजिए, माँ बाप का रोशन लीजिए, गुड लक। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।